Hey guys, how are you all? This is me, Saloni Sinha. Welcome or welcome back to Justic Cosmetic. So guys, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है. आज मैं आपको बताऊंगी आईज़ के नीचे जो पफिनेस हो जाते हैं, आई बैग्स आ जाते हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो द फर्स्ट नुस्खा इज यूजिंग टू फ्रोजन स्पून्स. सो आपको दो चम्मच लेने हैं और फ्रीज़र में रखना है आधा घंटा एक घंटा के लिए, और उसके बाद उसको यूज़ करना है इस तरीके से. आपको हल्का हल्का पहले तो प्रेस करना है आपके अंडर आईज एरियाज पे, उसके बाद उसको हल्का सा सी मोशन में ऐसे करके मसाज करना है. बहुत जेंटली करें, रब ना करें, एकदम जो आपको ठंड जो महसूस होगी ना, उससे रिलैक्सेशन होगा. इससे आपको बहुत अच्छा और रिलीफ फील होगा. सो डू ट्राई दिस वन, एंड मुझे तो बहुत ऑसम फील हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज़ यूजिंग दीज कॉटन पैड्स. सो मैंने एक कॉटन पैड को दो पार्ट में कट किया, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोल्ड मिल्क. आपको मिल्क को ना फ्रीज़र में रखना, थोड़ा ठंडा करना, और ऐसे कट करना है कॉटन पैड्स को. और कॉटन पैड्स को इसमें डिप करके कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे डिप करके रखना है. उसके बाद आप इसको हल्का हल्का इसका जो मिल्क है इसको निचोड़ के अपने अंडर आई एरिया में, जहाँ पे भी आपको पफिनेस फील होता है, वहाँ पे लगाएं. इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा. आपको ठंड का वो जो फील होगा ना, वो थोड़ा थोड़ा होगा, और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा. इसको थोड़ी देर छोड़ दें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें, और अपने रेगुलर बेसिस के जो भी आप काम करते हो वो करें. एंड उसके बाद उसको थोड़ी देर के बाद आपको रिमूव कर देना है. एंड थोड़ा सा आपको ना इसको मसाज करना है, जैसे अंडर आई आप क्रीम लगाते हो ना, वैसे ही आपको हल्का हल्का मसाज करना है. आप कुछ दिनों में फ़र्क खुद देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा रिलीफ फील हुआ है. ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टिप इज़ टेकिंग प्रॉपर स्लीप. सो प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके डार्क सर्कल्स और ये सब आई बैग्स के पीछे, ये सब स्ट्रेस रीजंस भी हो सकते हैं. एंड अब अपने फ़ोन को ना ऐसे आँखों के सामने ऐसे यूज़ ना करें, इसे अवॉइड करें, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, द फोर्थ रीज़न इज़ फोर्थ नुस्खा इज़ अप्लाइंग अंडर आई क्रीम. सो अगर आपके पास अंडर आई क्रीम नहीं है, तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं. आपको बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है, आपको अपने आईज़ के पास अप्लाई करना है, और अपने रिंग फिंगर से इसको अच्छे से मसाज करना है. आपको मेक श्योर कि आप रिंग फिंगर यूज़ करें, एंड इसको सर्कुलर मोशन में अच्छे से राउंड राउंड करके एकदम स्मूथली मसाज करिए. एंड अगर ये ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा रहे. आप अपने एलोवेरा जेल को फ्रीज़र में रख के यूज़ करेंगे, फ्रीज़र में आई मीन ठंडा रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो ओके, नेक्स्ट इज़ फेस योगा. तो फेस योगा करने के लिए आप कोई सा भी योगा कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर एक बता रही हूँ आपको. आपको अपने अंडर आई में कोई सा भी मॉइस्चराइज़र, कोई सा भी एलोवेरा जेल या फिर आई क्रीम लेना. आपको 3 फिंगर से ऐसे इसको पुश करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और वही 3 फिंगर से ना इसको ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन में मैं बता रही हूँ उस डायरेक्शन में ऐसे पुल करना है. बहुत जेंटली करना है, एकदम रब नहीं करना और खींचना नहीं है आईज़ को. एकदम हल्के हाथों से नीचे की तरफ इसे खींचें, और ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ ऊपर के मोशन में इसको मसाज करें. ऐसे ही दोनों आईज़ पे करें, तो ये आई बैग वालों के लिए बहुत रिलीफ मिलेगा. एंड या, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपके लिए ये वीडियो कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं. और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ही बताएं. एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.